फिरदौस आशिक कमान ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाने पर बिलावल भुट्टो को तंज का निशाना बनाया। कहा, बिलावल साहब का बयान तो काबिले तहसीन है, लेकिन उन्हें इस बयान पर पापा से डांट पड़ेगी। मुआवर खसूसी बरा इत्तला ने नवाज शरीफ की बीमारी को इकतदार से दूरी का नाम दे दिया। कहा, उन्हें आवाम का नहीं अपनी जात और कारोबार का दर्द था। नवाज शरीफ के हवाले से जो कल उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं उस पर भी उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बिलावल साहब, हम तो पहले से आगाह थे, लेकिन आपको देर से समझ आई है। आपके वालिद साहब उस वक्त जब वो हुकूमत में थे, पंजाब के वो हुक्मरान जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, उस वक्त आपको अपोजिशन करनी चाहिए थी, तो उस वक्त आप जाती उम्र में तितर बटेर खा रहे थे। जो आपने गुफ्तगू की है, यकीनन ये काबिले तहसीन है। अफसोस इस बात का है कि इस पे आपको अबू जान से डांट पड़नी। राणा साहब, ये मीडिया की स्क्रीनें, इनकी आंखें तरस गई हैं वो प्लेटलेट्स की गूंज सुनने को, जिनकी बिना पे आपने अदालतों से रिलीफ लिया था। वो बीमारी कौन सी पुरसरार बीमारी है जिसका दुनिया के नामवर डॉक्टर्स यूके में बैठ के भी कोई इलाज तशखीस नहीं कर पा रहे। हमें तो पता है उस बीमारी का असल नाम क्या है। उस बीमारी का नाम इकतदार से दूरी है। सहूलतकार साहब का चैम्बर जो लीडर ऑफ अपोजिशन का है, वो खाली पड़ा है। ऊपर वाला भी चैम्बर खाली और लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला भी चैम्बर खाली। तो दोनों चैम्बर्स को आबाद करने के लिए लंदन की पुरफजा हवा जो है वो काम नहीं आ सकती। आपको वापस पाकिस्तान तशरीफ लाए।